तो सबसे पहले कार में खुलेगा ये वाला कवर, और कार थोड़ी सी अंदर से गंदी भी हो रही है, डिटेलिंग करवाएंगे इसकी जल्दी। ये खुल गया कवर, वाह भाई। हेयर इज रेस चिप, तो एग्जैक्टली ये होती है रेस चिप जो ये लग जाती है कार के अंदर। आरपीएम मीटर ही तो दिखाना था। तो आरपीएम मीटर दिखाते हैं किसी दिन, खाली रोड पे दिखाना, यहाँ पे मत दिखाओ, मेरे को मेरी फट रही है। कैसी अपनी टर्बो फैमिली, मैं एकदम बढ़िया, बहुत ही झकास। और वायरस को सुबह सुबह देख लिया तो समझ जाओगे कुछ तो होने वाला है। अब कुछ क्या होने वाला है वो रास्ते में बताऊंगा थोड़ा बहुत, और फिर जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे कुछ क्रेजी करते हैं। तो आज इस कार को अपन पूरा क्रेजी करने वाले हैं, क्रेजी मतलब सुपर क्रेजी होने वाला है। तो गाइस आ गया हूँ मैं अपने फेवरेट स्ट्रेच पॉइंट पे, मतलब ये रहा अपना स्ट्रेच पॉइंट बिल्कुल आगे से खाली। और अब एक फर्क बताता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। तो अभी दिस कार इज 2 लीटर डीजल इंजन इन लाइन 4 जो प्रोड्यूस करता है 190 bhp। अपन ने इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया XLR एक्चुअली क्या करता है कि जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है कार का वो कम्प्लीटली चेंज कर देता है, बट अभी तक इसका bhp नहीं बढ़ा है। तो आज अपन चल रहे हैं इसका bhp बढ़ाने, ये कुछ स्पेशल होने वाला है एक्चुअली। और एक और चीज दिखाता हूँ जो चेंज हो गई है। तो नॉर्मली हर कार में क्या होता है, यहाँ पे इको प्रो मोड होता है, एंड इको प्रो मतलब अब मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे ये स्विचेस हैं जिनसे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये अभी इको प्रो, देन कंफर्ट, देन स्पोर्ट्स, तो अभी ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गई। एंड अब एक और अपन ने जो चेंज किया है वो चेंज किया है ये, तो यहाँ पे ये इकोनॉमी प्लस, इकोनॉमी, न्यूट्रल, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस, रेस एंड रेस प्लस। इमेजिन करो एक डीजल कार में रेस प्लस मोड आ जाना, दिस इज एक्चुअली क्रेजी। मेरे फेस एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, बट बिलीव मी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि इसकी ना मतलब थोड़ी सी परफॉर्मेंस और बढ़ जाए, मतलब परफॉर्मेंस में मजा आ जाए। तो परफॉर्मेंस अभी एक बार चेक करा देता हूँ, ये रहा मीटर, ये रही रोड, और परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। और ये देखो, ओए तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी, तो अभी इतना जबरदस्त रिस्पांस हो चुका है ना कार का कि मतलब चलाने में एक अलग ही मजा आ रहा है। और मेरे को तो मतलब सुपर डुपर फील आ चुकी है कार चला के। बट इमेजिन करो अभी ये 190 bhp अगर अपन कर दें 200 प्लस, अब 200 प्लस एग्जैक्टली कितना होगा वो भी जाके पता लगेगा। और उसके बाद गाड़ी को ड्राइव पे लेके चलेंगे, अच्छे से चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस कितनी बढ़ गई है और एग्जैक्टली कितने पैसे लगने वाले हैं ये भी बताऊंगा। सो गाइस मैं आ गया हूँ ऑटो मार्क, भाई शोरूम पे पहुंच गई ये कार। कैसी लग रही है? बिल्कुल मस्त ना। तो मुझे तो खैर हमेशा ही अच्छी लगती है, अपनी चीज़ हमेशा मतलब प्यारी होती है और अच्छी भी लगनी चाहिए। आप लोगों को कैसी लगती है मुझे नहीं पता, बट रियल वर्ल्ड में इसको जो भी देखता है वो हमेशा यही कहता है कि कार जितनी कैमरे में दिखती है उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। बट अब आ गई परफॉर्मेंस की बात, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस अपडेट। तो सबसे पहले कार में खुलेगा ये वाला कवर, और कार थोड़ी सी अंदर से गंदी भी हो रही है, डिटेलिंग करवाएंगे इसकी जल्दी। ये खुल गया कवर, वाह भाई। तो BMW में नॉर्मली होता है ट्विन पावर टर्बो, मतलब ट्विन टर्बो, दो टर्बो लगे हुए होते हैं इसमें, एंड इसीलिए इसका जो किक है वो बहुत ही अल्टीमेट होता है। पर इस किक को अपन कर देंगे बिल्कुल सुपर क्रेजी, मतलब सुपर डुपर क्रेजी करने वाले हैं। मैं मास्क हटा लूँगा थोड़ी देर के लिए मास्क हटा लेते हैं। वैसे सबने मास्क पहने हुए हैं तो मैं सेफ ही हूँ, और वैसे भी अपने वर्कशॉप पर ही खड़ा हूँ, सारे जानकार हैं और सबका पता है कि कोविड से कोई लेना देना नहीं है अभी तक। तो एनीवेज रेस चिप दिखाता हूँ कि रेस चिप कैसी होती है। XLR तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जो स्विच था वो। तो गाइस ये रहा XLR का डब्बा जो ऑलरेडी अपन लगा चुके हैं। अब एक काम करो, ये लगा था करीब 4-5 दिन पहले, तो मैंने व्लॉग तो बनाया था पर मैंने कंप्लीट नहीं किया उस व्लॉग को। तो एक बार एक काम करो, लगते हुए के सिनेमैटिक शॉट्स देख लो थोड़े से। Cinematics.
अब एक काम करो, XLR तो देख लिया, रेस चिप भी देख लो कैसी होती है। तो रेस चिप पे ना बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए मैंने, बट ये कम्प्लीटली वर्थ है। मैंने बहुत सारे रिव्यूज लिए और रिव्यूज में मुझे पता लगा कि भाई इट्स अमेजिंग। मेरे साथ में शाजिम काम करते हुए, तो आजकल वैसे ही मेरे साथ ही रहता है। कोशिश यही है कि ये भी ज्वाइन कर ले टीम टर्बो एक्सट्रीम। एनीवेज ट्राई तो यही चल रहा है, बाकी देखते हैं क्या होने वाला। हियर इज रेस चिप। तो एग्जैक्टली ये होती है रेस चिप, जो ये लग जाती है कार के अंदर। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यही है कि आप इसको कभी भी लगा लो, कभी भी हटा लो, सिर्फ एक प्लग लगते ही ये कनेक्ट हो जाती है एंड इसको अपने कम्प्लीटली ट्यून कर सकते हैं। एंड दिस इज रेस चिप का XLR, जिससे अपन मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि अपने को किस मोड पे चलानी है। तो ये ऑलरेडी अपनी कार में लग चुका है, ये एक्सेलेरेटर का रिस्पॉन्स कम्प्लीटली चेंज कर देता है और ये कार की परफॉर्मेंस चेंज कर देती है। मतलब इससे करीब करीब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो अपनी कार बढ़ जाएगी 50 BHP। ओ माई गॉड, 50 BHP, दैट्स क्रेजी। सीरियसली 50 BHP बहुत सारे होते हैं। मतलब अभी ये 190 BHP और हो जाएगी 240 BHP। 240 BHP पे ये पता है कैसे रिएक्ट करेगी? एग्जैक्टली 530 जितनी। तो 530 BMW की 5 सीरीज 530 बहुत अल्टीमेट गाड़ी है, स्पेशली बहुत ही फेमस है अपनी पावर के लिए। तो 530 जितनी पावर, और 3 सीरीज में, मतलब 3 सीरीज क्या है, छोटी भी होती है, वेट भी कम होता है। तो अब इमेजिन कर लो कि अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये उससे भी ज़्यादा हो जाएगी टेक्निकली, जबकि एक्चुअली वो 3 लीटर इंजन है और V6 होती है। अपनी कार सिर्फ 2 लीटर इंजन है एंड 4 इनलाइन 4 है, बट इतनी पावर इंसेन नहीं हो जाएगी? थोड़ी सी मज़ा आएगा ना। तो वैसे तो मेरे को उन्होंने ये भी बता दिया है कंपनी ने कि अगर आप ट्रैक्शन ऑफ करके डोनट मारना चाहोगे तो डोनट भी लग जाएंगे, बट अपन इतना बड़ा काम नहीं करेंगे क्योंकि टायर्स इस टाइम पे बिल्कुल नहीं आ रहे। टायर्स का इंपोर्ट बंद पड़ा है एंड टायर्स मिल नहीं रहे हैं, बड़ी ट्रबल है इस टाइम। फिर फाइनली अपन ने ये लगाना चालू कर रहे हैं एंड दिस इज सो ईजी कि आप खुद भी फिट कर सकते हो। तो पहले ये ऊपर का कवर हटाना है, ये वाला, उसके बाद ये कवर हटाना है। तो यहाँ पे ये प्लग्स हैं एंड इसके अंदर आपको ये दोनों लगाने हैं, प्लस एक ये जो हब है, ये अगर आप कार को स्टॉक रखना चाहते हो तो इसको लगा के आप स्टॉक कर सकते हो। प्लस जब भी रेस चिप लगानी हो तो ये रेस चिप आप इसको लगाओगे तो ये कम्प्लीटली ट्यून हो जाएगी। मतलब अराउंड 50 BHP बढ़ जाएगी। तो इसको फटाफट से फिट कराते हैं, उसके बाद ड्राइव पे चलते हैं। एक्चुअल तो मतलब ड्राइव का मज़ा लेना चाहता हूँ। द बेस्ट पार्ट कि अगर आपकी कार वारंटी में है या कुछ भी ऐसा है तो ECU के साथ रीमैप या छिड़ाछाड़ी ना कराएं, बिकॉज वारंटी वॉइड हो जाएगी। इसमें तो यह सिंपल है, ये अगर आपने हटा दिया जब सर्विस पे डालनी है गाड़ी तो ये सब हटा दो एंड सर्विस पे दे दो, उनको पता नहीं लगेगा कि कार के अंदर आपने कुछ किया भी है या नहीं। तो भाई ये लग गई रेस चिप। इट जस्ट टुक 3 मिनट्स, ऑनेस्टली बता रहा हूँ 3 मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि एक क्लिप हटाया, दूसरा लगाया और उसको नॉर्मल क्लिप पे लगा दिया, प्लस ये यहाँ से इंस्टॉल कर दिया। दैट्स इट, ऑल डन एंड दिस इज अब ट्यून्ड। तो ये कार हो गई ट्यून, बस इतना सिंपल था। मतलब ऑनेस्टली इतना सिंपल। गाइस आई एम सीरियसली एक्साइटेड टू ड्राइव दिस व्हीकल नाउ। मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि एक इतने से हब लग के इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है। मतलब लोग क्या ट्यून अप कराते हैं, ये कराते हैं, ECU रीमैपिंग कराते हैं, कई बार ECU रीमैप ही खराब हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। ECU उड़ते हुए देखे मैंने, तो मतलब मेरी बाइक का ECU उड़ा चुका हूँ मैं एक बार हायाबुसा का, इसलिए मैं कभी ट्यून नहीं कराता। उसमें मैंने लगा रखा है PC5, दैट इज पावर कमांडर 5, बट कार के लिए आता है रेस चिप। लेट्स सी द रिजल्ट्स, चलते हैं ड्राइव। तो गाइज मैं आ गया हूँ एक खाली थोड़ी सी सड़क पे और एक बार चेक कर लेते हैं इसकी अब पावर कितनी इंक्रीज हुई है। अभी कार है इको प्रो मोड पे, मतलब सबसे लो मोड पे, और यहाँ से जो XLR है वो भी है न्यूट्रल पे अभी, मतलब जहाँ मैं चलाता हूँ डेली अभी मैं वहीं पे टेस्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, क्या बात है, फर्क तो आ गया भाई। मुझे फर्क फील हो गया है और अच्छा खासा फर्क फील हो गया है। तो अब मैं कर रहा हूँ मोड चेंज, ये हो गई कंफर्ट और ये अपन आ गए अब रेस प्लस पे। तो स्पोर्ट्स मोड भी कर देते हैं एक बार, स्पोर्ट्स मोड रेस प्लस फुल, मतलब इस टाइम कार फुल पोटेंशियल पे आ चुकी है, इससे ज्यादा कार में पोटेंशियल नहीं है अपनी में। तो लेट्स ट्राई इट वंस मोर। अगली इसकी जो वेंटिलेटेड ब्रेक थी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे से ऑडी में लगवाई थी। फर्क तो बहुत आ गया भाई।
जानी बहुत है भाई, वही गाड़ी में तो ये तो खाली रोड पे दिखाना है, यहाँ पे मत दिखाओ मेरे को, मेरी बढ़ रही है, टेंशन मत लो, कहीं ना जा रहे हैं। नहीं भैया ये सही में उड़ रही है, ये चल नहीं रही है, ये उड़ रही है, लिटरली उड़ रही है। अभी तो मैं अभी भी मैनुअल मतलब ऑटोमेटिक पे चला रहा हूँ, मैनुअल पे नहीं आया हूं। इसका एंटी ट्रैक्शन मोड ऑफ कर दो, और वो फिर स्पिन मारने लगेगी, टायर स्पिन मारने लग जाएगा। मैं ट्रैक्शन ऑफ नहीं करने वाला हूँ, अभी स्पिन नहीं मारेंगे अपन, टायर बहुत प्यारे हैं, अभी टायर इंपोर्ट भी नहीं हो रहे नीरज भैया, अभी टायर नहीं मिल रहे अभी तो मैं बड़े प्यार से चला रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, चला ही गए अभी मैं नहीं बैठना चाहूंगा साथ में। क्या बात कर रहे हो गाइस, ये आ गए अपन खाली रोड पे और लेट्स चेक इट। ओ तेरी, ट्रैक्शन मोड आ रहा है बिल्कुल बीच में बार बार, मजा आ गया मुझे तो, तेरी क्या चल रही है यार ये, ओए होए होए होए, गाइस दिस इज गोइंग क्रेजी, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब बिल्कुल पागलों की तरह चल रही है ये, एंड डिफरेंट। A few moments later, I'm back to Automark and seriously मतलब मजा आ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, and I really enjoyed the drive like anything. शुक्र है पहुँच गए, तो ये तो मतलब उतरते ही इनको तो ऐसा हो गया कि बस अच्छा हो गया, बच गए आज हम पहुँच गए वापस, so I'm back and इसको लगाने के काफी सारे फायदे भी है रेस चिप को, इट्स नॉट जस्ट द परफॉर्मेंस, काफी लोग सिर्फ इसको इसलिए भी लगाते हैं कि कार बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, एंड एक्चुअली जब मैं इको प्रो मोड में इसको चला रहा था तो मुझे एक स्मूथनेस ना फील हो रही थी, अच्छी खासी स्मूथनेस फील हो रही थी। तो एक्सएलआर जो अपन लगाया था उसकी जो कॉस्ट थी अराउंड 30,000 रुपीज, डिपेंड ऑन मॉडल टू मॉडल, हर कार का अलग प्राइस है, एंड जो रेस चिप अपन लगाई है दैट कम्स समवेयर अराउंड 70,000 रुपीज, तो लाख रुपए का खर्चा है, पर लाख रुपए में कार बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई, 50 BHP थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेंज हो गया अराउंड ऐसे, ये जो मतलब मेरे हिसाब से रिएक्ट कर रही है वो कर रही है 330 की तरह, मतलब 530 की तरह भी कह सकता हूँ, एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट कर रही है जैसा मुझे बताया गया था, इवन मुझे तो ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही कर रही है, मतलब जैसे ही RPM उठ रहा था तो गाड़ी बिल्कुल लिफ्ट हो रही थी आगे से, एंड सुपर फन यार, मज़ा आ गया। Meanwhile, finally अपनी कार आ गई है घर पे, एंड सीरियसली बिलीव मी कल जो मैंने को चलाने में इसको मजा आया ना वो एपिक था, मतलब एक तो साथ में जो नीरज भैया बैठे थे उनकी तो खैर मैंने हालत खराब कर दी थी, तो नीरज भैया एक्चुअली ऑटोमार्क से ही हैं और वो रेस चिप की जितनी भी कोडिंग्स वोडिंग्स होती हैं वो देखते हैं, प्लस थोड़ा बहुत बैक एंड वाला काम, एंड यहाँ पे खड़ी है अपनी वेनम, तो वेनम की बैटरी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, एंड कुछ ट्रिप का प्लान चल रहा है, बट अभी क्या है अपना नया वाला ऑफिस ना सेट नहीं हुआ है, हायरिंग चल रही है लगातार, एंड काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, तो लेट्स सी अभी कब तक कैसे कैसे काम होता है, वैसे वैसे चलता चला जाएगा। तो काफ़ी सारे लोगों को हम अभी हायर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते रहो अगर आपको ज्वाइन करनी है टीम, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। एनीवेज अगर रेस चिप लगवानी हो किसी को भी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑटोमार्क पे, ऑटोमार्क की कंप्लीट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और शोरूम है अपना डिफेंस कॉलोनी में। तो गाइस अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।